तो पिवट टेबल में हमने लास्ट क्लासेस में बात की कि किस तरह से पिवट टेबल लगाया जाता है, कैसे उसकी फॉर्मेटिंग की जाती है और भी चीजें हमने बात की। अब चलिए पिवट टेबल को आगे कंटिन्यू करते हैं कि और इसमें क्या क्या हो सकता है। तो हमने एक डेटा पे क्लिक करके पिवट टेबल लगाया है, मैंने यहाँ पे नेम और मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्वांटिटी ले लिया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे नेम के जो जगह पे रो लेवल आ रहा है और यहाँ देखिए पूजा के शर्मा, पूजा कर शर्मा, पूजा सिंह अलग अलग है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आज बात करने जा रहे हैं सबसे पहले शॉर्टिंग, मूविंग, फिल्टर एंड ग्रुपिंग के बारे में। उससे पहले बात करेंगे क्या पिवट टेबल की जो रिपोर्ट्स होती है क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं, कुछ एडिट कर सकते हैं या नहीं। तो रो लेवल को मैं यहाँ नेम करना चाहता हूं, तो हम इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ जब पूजा के शर्मा है, मैं इसको पूजा लिखना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पूजा लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको ही पूजा करना, हमने पूजा कर दिया। इसको ही पूजा करना, हमने पूजा कर लिया। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। और जैसे जैसे यहाँ पे हम ठीक है, लेकिन क्या चेंज नहीं कर सकते हम इस समूह क्वांटिटी। सुजीत जी सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे ये वैल्यू चेंज किए हैं तो ये ओरिजिनल डेटा में भी चेंज होगी या ये सिर्फ पिवट में ही चेंज हो रही है? जैसे आपने पूजा का ये चेंज किया अभी, सिर्फ पिवट में, सिर्फ पिवट में। ओके अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं टोटल हमारे पास है, अब इस टोटल में आप यहाँ पे टोटल चेंज कर दिया, क्या मैं इसमें क्वांटिटी लिख सकता हूँ? क्वांटिटी लिखते ही एरर देगा। देखिए आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी आपके पास जो हेडिंग्स है, ये हेडिंग्स आप नहीं टाइप कर सकते, ठीक है? जो हेडिंग्स है ये हेडिंग नहीं टाइप कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं, राइट? और दूसरा आप किसी भी फिगर को चेंज नहीं कर सकते। फिगर मतलब कि जो वैल्यू के अंदर जो टोटलिंग करके आ रहा है उस फिगर को आप चेंज नहीं कर सकते। अब दूसरा इसमें आता है मूविंग का या शॉर्टिंग, समझ लीजिए पहले शॉर्ट। अगर मान लो इसको शॉर्ट करना है तो राइट क्लिक कीजिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आप कर सकते हैं। अब यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम और भी है, जैसे पूजा यहां पे दिख रहा है आपको 2658 दिख रहा है और राकेश जो है ये आपका 91 है, जबकि 2658 है और इसका 91 है। और मान लीजिए मैं राकेश को कर देता हूं पूजा, तो क्या होगा? तो अब यहां देखिए पूजा राकेश जो है चेंज नहीं हुआ, पूजा जैसे टाइप करते हैं पूजा यहां पर, लेकिन यहां देखिएगा कि मैं यहां पे क्या चेंज नहीं हो सकता। मान लीजिए मैं इसको राकेश करता हूं, राकेश किया एंटर मारो, देखिए यहाँ पे पूजा ऊपर चला गया और राकेश नीचे चला आया। देखिए अगर आप कुछ चेंज करते हैं तो एक पहले से अगर इसमें कोई नाम अवेलेबल है वो अगर टाइप करते हैं तो चेंज नहीं होगा, वो स्वैप हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पे राकेश केआर कर देता हूं तो चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैं यहाँ पे पूजा वी कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं कहीं आता हूं, जैसे मान लीजिए विकास को मैं यहां पे पूजा वी करता हूं, एंटर मारता हूं, तो देख रहे हैं पूजा वी यहां पे आ गया 2658 और इसके ऊपर विकास ऊपर चला गया, राइट सर? हाँ जी, दैट मींस हम इसमें सिर्फ सरनेम ऐड कर सकते हैं, जो ओरिजिनली एंटर नेम है वो चेंज नहीं करना। कि इनके अलावा कोई भी नाम लिख सकते हैं, मुझे इसमें मान लो मैं अपना नाम पूजा के जगह पे मैं सुजीत लिखना चाहता हूँ, तो पूजा को हम सुजीत से रिप्लेस कर सकते हैं, समझ गए? हाँ जी। अब सॉर्टिंग की बात करते हैं, अब डेटा को हम अपने हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं।
इसको भी हम अपने हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं, नेम को जो भी नेम देता है सबको शॉर्ट कर सकते हैं। ये आप रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों कर सकते हैं। जैसे मैंने सिटी रख दिया यहाँ पे, तो मैं आप सिटी के हिसाब से भी शॉर्ट कर सकता हूँ कि ये लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम दोनों जगह पे शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो जिस कॉलम पे जिस हेडिंग पे आप कर्सर रखेंगे डेटा उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे शॉर्ट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कर दिया तो पटना के अकॉर्डिंग डेटा आपका शॉर्ट हो गया। उसी तरह से हम बात करते हैं मूव की। जैसे मान लीजिए विकास को मुझे सबसे टॉप पे रखना है, तो शॉर्ट करते समय तो अल्फाबेटिक या वैल्यू के हिसाब से शॉर्ट होगा, लेकिन मुझे अपने हिसाब से अरेंजमेंट करनी है। तो उस केस में आप इसको सेलेक्ट करें और इसको मूव कर दें जहां आप मूव करना चाहते हैं। विकास को ऊपर रख दिया, विकास के नीचे सुजीत चाहिए, उसके नीचे में सुजीत रख दिया, ऐसे मूव कर सकते हो। या फिर राइट क्लिक कर यहां मूव पे जा सकते हैं, तो मूव शायद टू बिगिनिंग, मूव अप, चाहे आपकी मूव अपने हिसाब से मूव कर सकते, या फिर आप कर्सर पॉइंट से ऊपर सकते हो। ऐसी सेम चीज रो एंड कॉलम दोनों में होता है कि मुझे मान लीजिए पुणे को सबसे टॉप पे रखना है, तो राइट क्लिक करके आप यहां से मूव कर सकते हैं, बिगिनिंग कर दीजिए, या फिर आप यहां से इसको उठाइए और जहां रखना है वहां पे छोड़ दीजिए। क्लियर है सर? मैन जी, मिलिन जी, गरिमा जी, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। उसके बाद यहां हम मान लीजिए ये हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूं फिल्टर की। जैसे मान लीजिए इसमें से मुझे कुछ चीजें को नहीं शो करना है, तो देखिए यहां पे फिल्टर का ऑप्शन बना हुआ आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे और जिसको नहीं शो करना है उसको क्लिक कर देंगे, वो पार्ट शो नहीं होगा। राइट, वो पार्ट आपका शो नहीं होगा। सर खाली एक बार ये रिपीट करेंगे क्या, जरा डिस्कनेक्ट हुआ था इंटरनेट, दो स्टेप्स था तरीका। मैं ये बोल रहा था आपको कि आप फिल्टर करना चाहते, मैं चाहता हूं कि इसमें का जो मान लीजिए किसी पार्ट को शो करना है किसी पार्ट को शो नहीं करना है, जिसको शो नहीं करना है उसको मैं यहां से मूव कर सकता हूं, मैं सॉरी माफ कीजिएगा फिल्टर कर सकता हूं। फिल्टर में गया, मैं यहां से बोला कि मुझे मोहन को और देव को ही शो करना है, बाकी को शो नहीं करना है। देन जस्ट हमने ओके कर दिया और यहां पे आपके सामने डिटेल दिख रही है, दिख गया आपका। तो फिल्टर में जिसको शो करेंगे और सेम फिल्टर हम कॉलम पे ही आ गया। तो कॉलम पे मैं यहां पे जैसे जीजीएन सेलेक्ट कर लिया, मैंने पटना सेलेक्ट कर लिया, जिस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया सिर्फ मेरा वही कॉलम शो होगा, बाकी डेटा शो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक आपके पास जो फिल्टर आता है वो है पेज फिल्टर। पेज फिल्टर जैसे मैंने एरिया को रख दिया फिल्टर में, अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे सेंट्रल ही सिलेक्ट हो। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल ही शो हो रहा है, बाकी चीजें शो नहीं हो रही। नॉर्थ सिलेक्ट किया तो नॉर्थ ही शो होगी। ठीक है, सर इसमें एक क्वेश्चन बाकी, इस पे आप अपना फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? हाँ बताएंगे, फॉर्मूले के बारे में बताएंगे, चिंता मत कीजिए।
वो आने वाले टॉपिक पर, कैलकुलेशन। सर इसका मतलब ये हो गया कि आपने मतलब ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ लेक्चर आपने ये बताया था कि जो रोज का जो हेडिंग होता है तो उसको आप रीनेम कर सकते हो, जैसे अपने टोटल नेम को बदल के कुछ दूसरा रखा, कॉलम को रीनेम कर सकते हैं, हेडिंग को रीनेम कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू को नहीं कर सकते, डेटा को नेम को चेंज नहीं कर सकते, वो डेटा है। नहीं तो वैल्यू के अंदर जो सिलेक्ट किया जैसे टोटल उसको भी नहीं कर सकते ना चेंज, वैल्यू सेक्शन के अंदर जो हेडिंग है टोटल। ठीक है सॉरी सर, तो यहां हमने शॉर्टली मूविंग फिल्टर तीन चीजें बार बार डिस्कस कर ली, और फिल्टर में कई सारे फिल्टर लगा सकते हैं, इसके नीचे कोर्स डाल दिया मैं, इसके नीचे मान लीजिए एरिया तो है ही, कोर्स डाल दिया, सिटी डालना सिटी डाल दीजिए, डेट डालना डेट डाल दीजिए, तो उस तरीके से यहाँ आपका वन बाय वन यहाँ पे हो जाएगा, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टर के बाद हम बात करते हैं ग्रुपिंग के बारे में। ग्रुपिंग, ग्रुपिंग एक अच्छा टॉपिक होगा इसमें। अब ग्रुपिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नेम वाइज क्वांटिटी ले लिया, राइट? और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे नेम में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि पूजा देख रहे हैं ना यहाँ, ये सब पूजा एक ही है, यहाँ पे सरनेम वगैरह चेंज कर दिया चाहे गलत कर दिया, सारे पूजा एक ही होना चाहिए। तो राइट क्लिक कीजिए, सिलेक्ट करके आप उसको ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप करते ही यहाँ आप देखेंगे ग्रुप वन करके आ गया, आ गया सर, और सारे पूजा का टोटल आएगा, और यहाँ पे नेम टू और नेम आ गया। अब नेम वाले को यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ ग्रुप वन की जगह पे लिख दीजिए पूजा, ओ सॉरी पूजा ऑलरेडी पहले से है तो पूजा है, दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पूजा को यहाँ पे, इसको भी ग्रुप कर देता हूँ, अब इसका नाम कर देता हूँ मैं पूजा। तो जी जी सॉरी मेरा ये मिस हो गया, कॉल आ गया था, अब ये ग्रुपिंग वाला दोबारा बता पाएंगे कि प्लीज। हां जी, जैसे यहां पे आपने सिटी है, अब सिटी में जैसे कि यहां पे पुणे है, नोएडा है, जिजियन है ना, अब क्या है कि यहां पे दिल्ली, नोएडा और जिजियन, इसको जगह पे मैं रखना चाहता हूं दिल्ली एंड एनसीआर, ठीक है, इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा एंड ग्रुप, यहाँ जो ग्रुप वन आपका दिख रहा है इस ग्रुप वन के जगह पे मैं दे देता हूं दिल्ली एंड एनसीआर, ठीक है, दिल्ली एंड एनसीआर। ठीक है, और यहां से जो सिटी और सिटी टू है, सिटी को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, ठीक है सर, तीस तरह से रिपोर्ट बन गई आपकी। या अब मैं यहां पे करता हूं कि मैं सम ऑफ क्वांटिटी को यहां रख देता हूं और यहां पे इसको रख देता हूं एमआरपी का एवरेज लगा कि कितनी क्वांटिटी किस रेट से बिकी है। तो इसमें अब दिक्कत आ गया कि 10 क्वांटिटी है, 11, 12, 13 इस कंटिन्यूअस है, मुझे एक स्लैब लेके चलना है 10 से 20, 20 से 30, तो मैं इस डेट के ऊपर जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और ग्रुप पे। अब यहां पे देखिए मिनिमम और मैक्सिमम आपके डेटा से ऑटोमेटिक उठ के आ गया है, बट आप अपने हिसाब से 0 और यहाँ पे 1000 ऐसे लिख सकते हैं, और ग्रुप कितना का करना है आपको, इसे मैं ग्रुप करना है 10 का या ज्यादा करना है, ये चीज आप चेंज कर सकते हैं, एंड देन जस्ट प्रेस ओके। तो यहाँ देखिए 0 टू ब्लैंक 41 है, यहाँ पे 10 टू 19 दिख रहा है आपको सर, इस तरह से
ग्रुप को क्या आ गया। सबको समझ में आया? मैं अगर इस ग्रुप पे क्लिक करूंगा तो क्या मेरा डिटेल पे लेके जाएगा क्या वो? जी एक चीज बताइए, यहाँ पे आपने तो 0 to 10 का ब्रैकेट सेलेक्ट किया था ना, तो ये लेस देन 0 वाला कैसे आया? आपने जो ग्रुपिंग में ब्रैकेट सेलेक्ट किया था वो 0 से स्टार्टिंग था ना, और ब्रैकेट आपने रखा 10 का, तो लेस देन 0 और ब्लैंक का एक अलग उसमें कैसे आ गया? मतलब है कि 0 से भी छोटा हो सकता है ना। हाँ जी, तो इसने आइडेंटिफाई किया कि ब्लैंक है। अच्छा, तो ब्लैंक और 0 के यहाँ इकट्ठा करके दिखा दिया, ठीक है। मैं 1000 किया, अगर मान लीजिए कि 1000 ज्यादा होता तो ग्रेटर देन 1000 नीचे आ जाता। हाँ जी, अपने पिवट के अंदर की सेटिंग है, वो अपने सेटिंग के अकॉर्डिंग वर्क करता है, ठीक है। और किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आता है क्वांटिटी में, मैं क्वांटिटी को छोड़ के मैं डेट्स को ले लेता हूँ। अब डेट इस तरह से ग्रुप हो जाता है, मैं इसको सब टोटल हटा देता हूँ, सॉरी यहाँ सॉरी माफ कीजिए अनग्रुप कर देता हूँ, तो ऐसे डेट बन जाता है। मुझे अप्रोच को मंथ वाइज ग्रुप करना है, राइट क्लिक ग्रुप, मैं यहाँ पे मंथ सेलेक्ट किया तो हमारा मंथ वाइज ग्रुप हो गया। वापस ग्रुप किया मैंने, मुझे यहाँ पे मंथ और क्वार्टर दोनों चाहिए, तो मंथ और क्वार्टर दोनों ग्रुप हो जाएगा। मुझे ग्रुप करना है आपको ईयर बेस में, ईयर, और मान लीजिए मैं क्वार्टर को अलग करना चाहता हूँ तो क्वार्टर को हम अलग भी दे सकते हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट इस तरह से बन के आ जाएगी। या मैं ईयर क्वार्टर नहीं चाहिए, मुझे ईयर यहाँ रखना है और मैं मंथली ग्रुप करना चाहता हूँ, या मंथ यहाँ रखना है मुझे ईयरली जो है रिपोर्ट चाहिए, तो इसको हम अपने हिसाब से चारों तरफ मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ गया? हाँ जी। डाउट्स में? नहीं नहीं। किस तरह से ग्रुप कर सकते हैं? राइट? उसके बाद मान लीजिए ग्रुप जो मुझे करना है 15-15 दिन का ग्रुप करना है, तो राइट क्लिक करके मैं ग्रुप में गया। ग्रुप में जाने के बाद मैंने मंथ ईयर हटा दिया और डेज को सेलेक्ट किया, और मैंने यहाँ पे 15 डाल दिया, तो ये आप देखिए 15 डेज की ग्रुप आपके सामने आ। तो जब डेज ग्रुप करेंगे तो सिर्फ डेट वाइज ही ग्रुप होगा, मंथ ईयर वाइज ग्रुप नहीं होगा, ओके। तो मैं चाहूंगा इसकी चीजों पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, और हम कल जो है एक प्रोजेक्ट पे डिस्कस करेंगे, पिवट की एक प्रोजेक्ट पे हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है? ठीक है। कोई दिक्कत होगा, कोई डाउट होगा तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? यस सर, थैंक यू सो मच।